आप सभी लोगों का आज हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। लोग देख सकते हैं हमारे पास हुंडई कंपनी की क्रेटा गाड़ी आई हुई है। तो फ्रेंड आज हम इसमें नॉर्मल कंपनी सर्विस करने वाले हैं, तो हम आपको इसमें नॉर्मल कंपनी सर्विस में हम क्या क्या काम करते हैं वो आपको इस वीडियो में हम करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो इसका चारों व्हील हम ओपन कर लेंगे, और चारों व्हील ओपन करके और फिर इसका जो ब्रेक आता है आगे का फ्रंट ब्रेक पैड चेक करेंगे, ब्रेक पैड का थिकनेस क्या है, डिस्क का कंडीशन क्या है, रियर का ड्रम निकाल के उसका लाइनर देखेंगे, उसका व्हील सिलेंडर रहता है वो देखेंगे कि जाम तो नहीं है, दोनों साइड में फ्री रहना चाहिए। एयर फिल्टर को क्लीनिंग करेंगे, अगर अच्छा रहेगा तो उसको हवा मार कर लगा देंगे, नहीं तो नया डाल देंगे। एसी फिल्टर जो आता है उसको चेक करेंगे, बैटरी का पानी चेक करेंगे, इसका बेल्ट आता है बेल्ट का कंडीशन चेक करेंगे, सारे लाइटिंग ही चेक करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इस नॉर्मल सर्विस में करने वाले हैं, तो हम आपको ये सारी चीज़ें करके स्टेप बाई स्टेप दिखाते हैं। तो हमने इसका चारों व्हील लूज कर लिया है और रैंपे भी ले लिया है। इसका व्हील घुमा के हम व्हील बैरिंग चेक करेंगे कि व्हील बैरिंग में साउंड तो नहीं है। प्ले वाले चेक कर लीजिए, देखिए प्ले भी नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या रहता है फ्रेंड, सस्पेंशन में अगर व्हील जॉइंट या स्टीयरिंग बॉल जॉइंट वीक होता है तो थोड़ा प्ले आ जाता है, तो वो भी सब हम चेक करते हैं। तो हमने एक साइड का राइट साइड का चेक कर लिया। इसी प्रकार से हम चारों व्हील को घुमा कर चेक करेंगे कि किसी व्हील बैरिंग में साउंड तो नहीं है। चारों व्हील चेक कर लीजिए और फिर व्हील ओपन कीजिए। तो फ्रेंड हम इसका चारों व्हील ओपन कर लेते हैं, फिर आपको ब्रेक पैड का और रियर लाइनर का कंडीशन दिखाते हैं किस प्रकार से है, क्या कंडीशन में है, कितना है। तो ये हमारा व्हील ओपन हो चुका है। थोड़ा कैलिपर में प्ले चेक कीजिए, कैलिपर में प्ले है नहीं है ना, ठीक है। ब्रेक पैड ओपन कीजिए फ्रेंड, इसका कैलिपर में भी हम प्ले चेक किए, कोई प्ले वाले नहीं है। कैलिपर बोलेगा तो ये पिन होता है फ्रेंड, ये जो पिन होता है इसमें प्ले आ जाता है, तो गाड़ी खड्डे में जाता है तो खड़खड़ खड़खड़ जैसा आवाज आता है, तो इसके लिए हम प्ले चेक कर लेते हैं। अगर प्ले रहेगा तो इसको लेथ मशीन पे पिन के अंदर बुशिंग करा लेते हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका हम ब्रेक पैड चेक करते हैं, ब्रेक पैड का कंडीशन क्या है। डिस्क तो फ्रेंड अच्छा है, डिस्क पे देखिए कोई लाइन नहीं है, एकदम स्मूथ है, तो इसके लिए डिस्क कुछ पॉलिश वॉलिश करने की ज़रूरत नहीं है। इसका ब्रेक पैड का कंडीशन देखते हैं हम कैसा है। अगर ब्रेक पैड गया रहेगा तो फ्रेंड हमें डिस्क पॉलिश करना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी अगर आप ब्रेक पैड रिप्लेस करते हैं तो डिस्क को कटिंग करके ही डालिएगा, इससे क्या होता है ब्रेक पैड का लाइफ थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसका ब्रेक पैड हमें अच्छा लग रहा है, बाहर निकाल के देखते हैं, देखिए अभी पूरा 80% है। तो हम इसको पेपर मार के अच्छे से एकदम क्लीनिंग करके यही लगा देंगे, पिन इन ग्रीसिंग करके इसका पैड चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं अभी। तो 10,000 किलोमीटर आराम से इसका ब्रेक पैड चलेगा, पिन भी फ्री है, ठीक है। इसका पिन ग्रीसिंग कर दीजिए और ब्रेक पैड को अच्छे से पॉलिश पेपर मार के लगा दीजिए। तो ये हमारा राइट साइड का था। अब हम चारों ब्रेक पैड और डिस्क अपना ओपन करके हम आपको चारों ब्रेक का कंडीशन दिखाते हैं। तो ये हमारा राइट साइड का हमने आपको ब्रेक पैड दिखाया था, देखिए लेफ्ट साइड का भी दिखा देते हैं आपको ब्रेक पैड का कंडीशन। ये देखिए हमारा लेफ्ट साइड का ब्रेक पैड है, ये भी उतना ही है जितना हमारा राइट साइड का था। अब आपको हम पीछे का लाइनर का कंडीशन दिखाते हैं। ये देखिए हमारा लिए लाइनर है, सिलेंडर चेक कीजिए अंदर बाहर करके फ्री है। ये देखिए हमारा सिलेंडर भी फ्री है, लाइनर भी अभी चलेगा। ये हमारा लेफ्ट साइड का है, राइट ये हमारा राइट साइड का भी बराबर है। तो फ्रेंड हम अब क्या करेंगे, इसको हवा मार कर पूरा क्लीन कर लेंगे और जो लाइनर है उसको मस्त अच्छे से पेपर मारेंगे। तो हमने इसको हवा मार कर पूरी तरह से एकदम क्लीन कर लिया है, अभी लाइनर को पेपर मारेंगे, क्योंकि क्या होता है फ्रेंड ये पूरा हार्ड हो जाता है, पेपर मार देंगे आप अच्छे से तो थोड़ा हार्ड मेटल बाहर निकल जाएगा, तो ब्रेक अच्छे से प्रॉपर लगेगा। तो फ्रेंड इसी प्रकार से हम चारों पैड में और लाइनर में पेपर मार के अच्छे से क्लीन करके लगा देंगे, ये हमारा ब्रेक सर्विस का काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम इसका ऑयल फिल्टर और डीजल फिल्टर ये तीनों रिप्लेस करने वाले हैं, वो भी हम आपको रिप्लेस करके दिखाएंगे। इसका एयर फिल्टर देख रहे हैं, देखिए पूरी तरह से इसमें देखिए कितना कचरा है, ये देखिए। तो इसको हम अच्छे से एकदम हवा मार के क्लीन करेंगे, इसके बॉडी के अंदर भी हवा मारेंगे, देखिए बॉडी के अंदर भी पूरा कचरा है। ये फ्रेंड क्या होता है, अगर आपका एयर फिल्टर जाम रहेगा ना, इससे आपको एवरेज देखिए कितना कचरा है, एवरेज में और पिकअप में बहुत प्रॉब्लम आएगा। देखिए फिल्टर सर्विस हो चुका है, अब इसका हम एसी फिल्टर ओपन करेंगे। फिल्टर फ्रेंड लेफ्ट साइड में आता है, जैसे ग्लूकोज ओपन करेंगे आपको सामने दिखेगा इसका एसी फिल्टर। ये देखिए एसी फिल्टर कंडीशन देखिए फ्रेंड, पूरा एकदम चौक ऑफ है, देखिए पूरा कचड़े से भरा हुआ है, पत्ते वत्ते से, ये देख सकते हैं आप, देखिए ये देखिए कितना कचड़ा है। इसको भी हम क्लीन करेंगे अच्छे से, क्योंकि फिल्टर अच्छा है, सिर्फ पूरा कचड़े से भरा हुआ है, इसको हवा मारी अच्छे से।
हमने एसी फिल्टर को पूरी अच्छी तरह से हवा मार के क्लीन कर लिया है, अब हम इसको फिट कर देंगे। कूलेंट तो देख सकते हैं फ्रेंड, इसमें कूलेंट नहीं है बिल्कुल भी, ये देखिए पूरा पानी है। तो हम इसमें कूलेंट डालेंगे, देखिए कूलेंट टॉप अप कर रहे हैं क्योंकि इसमें कूलेंट नहीं था, तो हमने इसको पूरा ड्रेन करके इसमें कूलेंट डाल रहे हैं। कूलेंट का लेबल है देखिए यहाँ पे, हमारा कूलेंट का हो गया। अब हम इसका डीजल फिल्टर रिप्लेस करेंगे क्योंकि हमारे गाड़ी में डीजल फिल्टर भी रिप्लेस है, तो डीजल फिल्टर और ऑयल फिल्टर दोनों ओपन करेंगे। हम आपको दोनों ओपन करके दिखाते हैं। डीजल फिल्टर ओपन करने के लिए आपको बैटरी बाहर निकालना पड़ेगा और ACM भी ओपन करना पड़ेगा, तब जाके आपका डीजल फिल्टर बाहर आएगा। तो हम आपको ओपन करके दिखाते हैं। तो हम इसका डीजल फिल्टर ओपन कर रहे हैं, देखिए हमने बैटरी बाहर निकाल दिया है, ACM ओपन कर रहे हैं हम। ACM ओपन करके साइड में कर देंगे और फिर इसका डीजल फिल्टर खोल के बाहर निकाल लेंगे। अब हम इसका ऑयल फिल्टर रिप्लेस करेंगे। ऑयल फिल्टर खोलने के लिए 27 नंबर का बॉक्स का इस्तेमाल करना होता है। हमने इसका देख सकते हैं डीजल फिल्टर ओपन कर लिया है, अब इसको हम छुट्टा करेंगे। ये हमारा नया वाला डीजल फिल्टर है, इसको छुट्टा करके फिर इसमें फिटिंग करके ले लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये हमारा ऑयल फिल्टर, हमने इसका ऑयल फिल्टर भी खोल लिया है, देखिए ये हमारा नया ऑयल फिल्टर है, ये जूना ऑयल फिल्टर है। इसमें ऑयल फिल्टर बिठा के आपको दिखाते हैं, और डीजल फिल्टर भी हमने यहाँ से खोल के लिया है। तो डीजल फिल्टर भी असेंबली करके फिर इसका जो भी हमने पार्ट्स ओपन किया है सब फिटिंग करके ले लेंगे। तो हम इसका ऑयल फिल्टर और डीजल फिल्टर आपको फिटिंग करके दिखाते हैं। ये हम क्रेटा की गाड़ी का डीजल फिल्टर ओपन कर रहे हैं, नया वाला हम इसमें फिट करेंगे। तो ये हमारा डीजल फिल्टर फिट हो चुका है। तो फ्रेंड, ये हमारा डीजल फिल्टर असेंबली हो चुका है, तो डीजल फिल्टर हम फिट कर लेते हैं। डीजल फिल्टर फिट करके और उसके बाद फिर आपको ऑयल फिल्टर फिट करके दिखाते हैं। डीजल फिल्टर हमने बॉडी में फिट कर दिया है, अब इसका हमने जो भी ओपन किया था डीजल फिल्टर ओपन करने के लिए, इसका ACM बैटरी सब फिट कर देते हैं। और फिट करके फिर इसका ऑयल फिल्टर हम फिट करके आपको दिखाते हैं। देखिए इसका ऑयल फिल्टर भी हमने ओपन कर दिया, इसमें नया वाला फिट कर दिया है। इसमें बॉडी में फिट करके फिर फाइनल करके फिर आपको दिखाएंगे। हम इसका ऑयल ड्रेन करने के लिए ये नीचे का सेफ्टी कवर खोलेंगे। ऑयल खोलने के लिए हम ये चेंबर का 17 का बोल्ट खोलेंगे। इसका गियर ऑयल चेकिंग करने के लिए 17 का बोल्ट खोलना होता है। लगा दो। ऑयल पूरी तरीके से ड्रेन हो चुका है, अब हम इसका ड्रेन प्लग बोल्ट लगाएंगे अच्छे से इसको क्लीन करके। इसमें 17 नंबर का ड्रेन प्लग बोल्ट आता है, अब हम इसको टाइट कर लेंगे। इसका बेल्ट का कंडीशन, इसका बेल्ट पूरी तरीके से सही है, रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं। इसका ग्रिप ज़रा भी फटा नहीं है, बिल्कुल सही है। हमने इसका अंडर बॉडी वॉश कर लिया है, अब हम गाड़ी को डाउन करके बॉडी वॉश करेंगे। हुंडई क्रेटा में टोटल 5 लीटर इंजन ऑयल जाता है, हम इसमें इंजन ऑयल फिलअप कर रहे हैं। अब हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर ये सब का काम कर लिया है। गाड़ी स्टार्ट करके अब हम इसका ड्रेन प्लग बोल्ट का लीकेज चेक करेंगे, ऑयल फिल्टर का और डीजल फिल्टर का लीकेज चेक करेंगे। देख सकते हैं आप, हाफ सेल्फ में हमारी गाड़ी स्टार्ट हुई है और हमने पीछे का भी ब्रेक का काम कर लिया है। इसके लिए हम इसका हैंड ब्रेक चेक करेंगे कितना खांचा उठ रहा है। 1, 2, 3 फ्रेंड्स, 3 खांचा उठ रहा है, मतलब सही है। और इसका हम ब्रेक पैडल पंप करेंगे और चेक करेंगे कोई हमारा व्हील जाम तो नहीं है। प्लीज स्टार्ट है, अब हम इसका व्हील चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं आप, व्हील एकदम फ्री है। इसी प्रकार से हम चारों व्हील चेक करेंगे। ऑयल फिल्टर भी एकदम सूखा हुआ है और डीजल फिल्टर भी हमने एकदम क्लीन करके रखा था। देख सकते हैं बिल्कुल करेक्ट है, किधर से भी कोई लीकेज नहीं।
इसका ड्रेन प्लग बोल्ट बिल्कुल सूखा है, इधर से भी ऑयल लीकेज नहीं है, ना ही ऑयल लीकेज है ना ही डीजल, तो हम इसका सेफ्टी कवर नीचे का लगा देंगे। हमने इसका सेफ्टी कवर लगा दिया, आप देख सकते हैं, देख सकते हैं आप, अच्छी तरीके से हमने क्लीन कर दिया एयर प्रेशर देके। हमारी जो हुंडई क्रेटा गाड़ी थी इसका कम्प्लीट इसका पूरा काम हो चुका है, सिर्फ इसका वॉशिंग बाकी है। देखिए इसका वॉशिंग चालू है, इस गाड़ी का सर्विस कर रहे हैं हम, बाकी इसका ब्रेक सर्विस, ऑयल ऑयल फिल्टर, डीजल फिल्टर, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर, जो भी सारी चीज़ें थी रिप्लेस करने वाला हमने रिप्लेस कर दिया। जो हवा मार के क्लीन करके लगाने का था सब हमने हवा मार के क्लीन उन करके लगा दिया है। इसका चारों व्हील भी हमारा टाइट हो चुका है, देखिए चारों व्हील भी हमने फिटिंग कर दिया है। सिर्फ इसका वॉश करने के बाद हम गाड़ी गैरेज के अंदर ले लेते हैं, गैरेज के अंदर लेकर इसका लाइट चेकिंग कर लेंगे, चारों पावर विंडो चेक कर लेंगे, अपना फ्रंट वाइपर का स्प्रे स्प्रे चेक कर लेंगे, तो हमारा गाड़ी फाइनल हो जाएगा। तो ये हमारा शैम्पू मार्कर हो गया है, अब इसको पूरा प्रेशर के पानी से पूरा वॉश करेंगे। ये हमारा कंप्लीट सर्विस का काम जो भी था पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। देखिए हमने इसको बैटरी में डीवीडी भी लगा दिया है, इंजन का जो भी वर्क था, ऑयल फिल्टर, डीजल फिल्टर, कूलेंट वूलेंट, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर, उधर का सब तो हमारा काम हो चुका है। इसका सिर्फ लाइट चेकिंग बाकी है, लाइट चेकिंग हम चेक करते हैं एक बार। ओके, फ्रंट वाइपर ओके, ओके ओके। अच्छा, जनरल सर्विस का एक वीडियो था कि हम जनरल सर्विस में क्या क्या रिप्लेस करते हैं, क्या क्या चेक करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, तो ये आप लोग के लिए छोटा सा एक वीडियो था। अगर आप लोगों को ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।